श्री गणेशाय नमो नमः। मित्रों, अनोखा संगम पंचांग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पंचांग के विषय में। आज के पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण की विस्तृत जानकारी के साथ साथ आज का शुभ समय अभिजीत मुहूर्त, अशुभ समय राहु काल, आज के दिन और रात का चौघड़िया और आने वाले दिनों के व्रत और त्योहारों के बारे में पूरी पूरी जानकारी मिलती है। आइए जानते हैं आज का शुभ पंचांग। पंचांग से पहले आज का सुविचार। जब व्यक्ति के पास में पैसा होता है तो वह भूल जाता है कि वह कौन है, लेकिन जब उसके पास पैसा नहीं होता तो दुनिया भूल जाती है कि वह कौन है। आज की तारीख 16 नवंबर 2020, आज का वार सोमवार। आज कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा 7:06 सुबह तक रहेगी। इसके बाद द्वितीय तिथि 3:56 अगले दिन सुबह तक रहने वाली है। तत्पश्चात तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। 16 नवंबर 2020 के सूर्योदय का समय रहेगा 6:45 सुबह। सूर्यास्त का समय होगा 5:27 शाम को। चंद्रोदय का समय रहेगा 7:45 सुबह और चंद्रास्त का समय 6:34 शाम तक रहने वाला है। आज का नक्षत्र अनुराधा 2:37 दोपहर तक रहेगा। इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। आइए जानते हैं अनुराधा नक्षत्र के बारे में। जिन व्यक्तियों के नाम अक्षर ना, नी, नू और ने से शुरू होते हैं वे लोग अनुराधा नक्षत्र के माने जाते हैं। इनकी राशि होती है वृश्चिक। राशि स्वामी इनका मंगल होता है। नक्षत्र देवता मित्र हैं। गण की बात करें तो देव इनका गण रहता है। नाड़ी मध्य। तत्व की बात करें तो जल तत्व से संबंध रखते हैं और स्वभाव इनका मृदु रहता है। अनुराधा नक्षत्र के जातक दयावान और ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाले होते हैं। जातक आदर्शवादी और सुंदर बालों से युक्त होते हैं। जातक समाज में सम्मान पाते हैं। इस नक्षत्र में जन्मा जातक विदेश में रहकर अथवा जन्म स्थान से दूर रहकर अच्छे लाभ को प्राप्त कर पाते हैं। जातक संबंधों को लेकर सजग होते हैं। सम्मान और प्रसिद्धि को बहुत अच्छे से संभालना भी जानते हैं। यह रचनात्मक होते हैं और शत्रुओं को हराना जानते हैं। अनुराधा नक्षत्र का जातक बहुत आकर्षक और उदार व्यक्तित्व का माना जाता है। इस नक्षत्र में जन्मा जातक प्राय कम उम्र से ही घर से दूर रहने चले जाते हैं। भ्रमणशीलता, अस्थायी भाग्य व तेजस्विता मिलकर इनका व्यक्तित्व निखार पाते हैं। बहुत जल्दी से ये लोग मित्र बना लेते हैं। अपने कार्यस्थल पर यह अच्छा प्रभाव दिखाते हैं। अपना काम निकालने में भी बड़े होशियार होते हैं। इनमें कोई न कोई कलात्मक गुण अवश्य देखा जाता है। अनुराधा नक्षत्र के लोग अभियंता, इंजीनियर, खनन उत्पादों, सर्जन, चमड़े के उत्पादों के व्यापारी, दंत चिकित्सा से जुड़े काम, अधिकारियों के रूप में पानी और सिंचाई विभाग के अधिकारियों के रूप में काम करने के लिए उपयुक्त रहते हैं। वनस्पति तेल निर्माता या डीलर, गुप्त विज्ञान के अभिनय या व्यवसाय के काम आप लोग बेहतर रूप से कर पाते हैं। अनुराधा नक्षत्र के जातक अंक विज्ञान, सांख्यिकी, गुप्त विज्ञान में रुचि रखते हैं। कला संगीत से जुड़े विषयों में भी ये अच्छा काम कर सकते हैं। अनुराधा नक्षत्र के बुरे प्रभावों से बचने के लिए जातक को 12 आदित्यों का पूजन करना चाहिए। आदित्य हृदय स्त्रोत पाठ का श्रवण एवं मनन करने से भी शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। सूर्य के नामों का स्मरण भी लाभदायक होता है। भगवान शिव और विष्णु की पूजा आराधना करने से पापत्व का नाश होता है। जातक के लिए लाल, नीले, सुनहरे रंगों का उपयोग शुभदायक रहता है। मोती और मूंगा को भी धारण करने से इन लोगों को लाभ मिल सकता है।
आज की सूर्य राशि है तुला, जो 7:10 सुबह तक रहेगी। इसके बाद सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा और वृश्चिक संक्रांति होगी। आज का चंद्र राशि वृश्चिक है। आज का पहला कर्ण भाव 7:06 सुबह तक रहेगा। आज का दूसरा कर्ण बालव 5:28 शाम तक रहने वाला है। इसके बाद कौलव कर्ण प्रारंभ हो जाएगा, जो 3:56 अगले दिन सुबह तक रहेगा। आज का योग अतिगंड 7:11 शाम तक रहेगा। इसके बाद सुकर्मा योग प्रारंभ हो जाएगा। दिशाशूल की बात करें तो आज पूर्व दिशा में दिशाशूल है। आइए जानते हैं अतिगंड योग के बारे में। इस योग को बड़ा दुखद माना गया है। इस योग में किए गए कार्य दुखदायक होते हैं। इस योग में किए गए कार्य से धोखा, निराशा और अवसाद का ही जन्म होता है। अतः इस योग में कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए और ना ही कोई नया कार्य शुरू करना चाहिए। आज का शुभ समय, आज का अभिजीत मुहूर्त 11:44 सुबह से 12:27 दोपहर तक रहेगा। विजय मुहूर्त का समय 1:53 दोपहर से 2:36 दोपहर तक रहने वाला है। ब्रह्म मुहूर्त का समय 4:58 सुबह से 5:52 सुबह तक रहेगा। आज के शुभ समय में अमृत योग 4:23 अगले दिन सुबह से 5:50 अगले दिन सुबह तक रहेगा। आज का अशुभ समय, आज का राहु काल 8:05 सुबह से 9:25 सुबह तक रहेगा। यमगंड काल की बात करें तो 10:46 सुबह से 12:06 दोपहर तक रहेगा। इन दोनों ही समय में किसी भी प्रकार का शुभ और मांगलिक कार्य शुरू ना करें। आने वाली कुछ महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार रहेंगी। 16 नवंबर को चंद्र दर्शन, नव संवत शुरू हो जाएगा, भैया दूज और मंडला काल प्रारंभ हो जाएगा। 18 नवंबर को विनायक चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। 19 नवंबर को लाभ पंचमी और 20 नवंबर को छठ पूजा। 16 नवंबर 2020 के दिन का चौघड़िया इस प्रकार रहेगा। अमृत समय 6:44 सुबह से 8:04 सुबह तक। शुभ समय 9:25 सुबह से 10:45 सुबह तक। चर समय अर्थात सामान्य समय 1:26 दोपहर से 2:46 दोपहर तक। लाभ समय 2:46 से 4:06 शाम तक। अमृत काल का समय 4:06 शाम से 5:26 शाम तक रहने वाला है। रात के चौघड़िया में चर समय 5:26 शाम से 7:06 शाम तक रहेगा। लाभ समय 10:25 शाम से 12:05 मध्य रात्रि तक रहेगा। शुभ समय 1:45 मध्य रात्रि से 3:25 अगले दिन सुबह तक रहेगा। अमृत समय 3:25 अगले दिन सुबह से 5:04 अगले दिन सुबह तक रहने वाला है। चर समय अर्थात सामान्य समय 5:04 अगले दिन सुबह से 6:43 अगले दिन सुबह तक रहेगा। मित्रों, ये था आज का शुभ पंचांग। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए अपडेट नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें अनोखा संगम का चैनल और इसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।